मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हनी चिली पटेटोस। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हनी चिली पटेटोस बनाने के लिए हमें चाहिए हरा प्याज, धनिया, आलू, लहसुन, अदरक, कॉर्नफ्लावर, मैदा, सोया सॉस, नमक, चिली सॉस, हनी यानी कि शहद और टमाटो सॉस। आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपने हनी चिली पटेटोस। हनी चिली पटेटोस बनाने के लिए हम लेंगे ये आलू, चार आलू हम लेंगे। ये हमने छील लिए हैं, छील कर हमने अच्छे से इसको धो लिया है। अब हम इसको काटेंगे। इसको हमने तीन जो है भाग में काट लेना है और इसको ऐसे हम लंबा लंबा काट लेंगे। ऐसे हमने इसको काट लेना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ऐसा हमने इसको काटना है। ऐसे ही हम अपने सारे आलू जो हैं काट लेंगे। ये देख सकते हैं आलू जो है हमारे सारे कट चुके हैं। अब हम इसको उबलते हुए पानी में डालेंगे। ये पानी जो है हमारा बॉईल होने वाला है, इसमें अब हम डाल देंगे अपने ये कटे हुए आलू और इसके अंदर डालेंगे हम अपना 1/3 स्पून नमक का। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको 5 से 10 मिनट तक हम बॉईल करने के लिए रखेंगे। हमने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये इजीली अंदर से गल चुके हों। जितनी देर हमारे आलू जो हैं वो बॉईल हो रहे हैं उतनी देर हम ये धनिया को काट लेते हैं। हरा धनिया हमने लेना है बिल्कुल फ्रेश। इसको अच्छे से हमने धो लिया है, इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। थोड़े से हम इसकी डंडियां भी लेंगे, वो भी हम बारीक बारीक काटेंगे। ये देख सकते हैं आप, ऐसे हमने धनिया को काट लेना है। ऐसे ही हम अपना सारा धनिया जो है काट लेंगे। आलू जो है हमने बॉइलिंग वाटर से निकाल लिए हैं। ये हमारे देख सकते हैं आप, आलू थोड़े से गल गए हैं। हम इसको यूँ तोड़ेंगे तो ये टूट जाते हैं। इसको हमने निकाल कर ठंडे पानी से हमने इसको वॉश कर लिया। आलू जो है हमारे बॉयल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए टूट रहे हैं। ये आलू हमने बॉयल करने के बाद इसको ठंडे पानी से हमने इसको वॉश कर लिया है। अब जो है हम बैटर बनाएंगे इसका। हम लेंगे 2 चम्मच बड़े मैदे के और 1 चम्मच हम लेंगे कॉर्नफ्लावर का। इसमें हम डालेंगे 1/3 स्पून नमक या स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रिफाइंड ऑयल डालने से क्रिस्पीनेस ज़्यादा आती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं अच्छे से ये जो है मिक्स हो गया है। अब ये जो आलू हमने उबाले हैं ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से इसके साथ इसको कोट कर देंगे मैदा और कॉर्नफ्लोर के साथ। आप देख सकते हैं अच्छे से ये कोट हो गए हैं। इसको अब हम साइड पे रख देंगे और अपना एक और घोल बनाएंगे। फिर से हम इसमें लेंगे 2 चम्मच मैदे के और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का। स्वाद अनुसार नमक लेंगे। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसको फिर से मिक्स कर देंगे। इसमें जो है थोड़ा पानी डालेंगे। पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। मिक्स करेंगे और इसका बैटर बना लेंगे।
थोड़ा सा पानी हम इसमें और डालते हैं। इसका घोल हमने बना लेना है, थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसमें जो लम्स ना कोई रह जाए। हम हाथ से भी इसको मिक्स कर सकते हैं ऐसे। घोल हमारा बनकर के तैयार हो गया है। अब ये जो आलू हमने रखे थे ये हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और अच्छी तरह इसको हमने मिक्स कर लेना है। ध्यान से हम मिक्स करेंगे ताकि हमारे आलू जो है वो टूटे ना। रिफाइंड ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम आलू जो है एक एक करके अपने डालेंगे। ये जो हमने बैटर में हमने मिक्स किया है इसको हमने फ्राई कर लेना है। हम इसको डबल फ्राई करेंगे ताकि ये जो है अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इसको हम हिलाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे। ऐसे ही जो है हमने अपने सारे आलू जो है फ्राई कर लेने हैं। आप देख सकते हैं हमारे एक बार फ्राई हो चुके हैं। हम इसको निकाल लेंगे। ऐसे ही हमने बाकी के भी फ्राई कर लेने हैं। अब हम बनाना शुरू करेंगे इसका तड़का। तड़का बनाने के लिए हम लेंगे अपना थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। ये जो है हमने बहुत ही तेज गैस पे हमने बनाना है। 2 चम्मच हमने रिफाइंड ऑयल के लिए है। ये कुछ 5-6 लहसुन की तुरियां हैं और थोड़ा सा छोटा पीस अदरक का है। ये हमने बारीक काट करके रखा है। इसको हम डाल देंगे अपनी कढ़ाई में और इसको हल्का सा हम सॉटे करेंगे। हमने लिया है स्प्रिंग अनियन। ये देखिए हमने ये इसका जो अनियन वाला पोर्शन है वो हमने अलग से काट के रखा है और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो हमने इसका अलग से काट कर रखा है। इसके साथ ही हमने डाल देना है ये प्याज। गैस जो है हमने तेज में ही इसको बनाना है। अब एक कटोरी में हम लेंगे तकरीबन 1/2 चम्मच ये थोड़ा ज़्यादा कॉर्नफ्लावर। थोड़ा सा पानी हम इसमें मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं ऐसे हमें इसका घोल बना लेना है। और इसी में हम डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस। हमें 1 चम्मच जो है सोया सॉस आप देख सकते हैं बड़ा चम्मच हमने डाल दिया है। इसको हम हल्का सा सॉटे करेंगे। ये रिफाइंड ऑयल भी हमारा गर्म है तो गैस हम हल्की कर देंगे। और ये जो हमने पोटैटोस फ्राई करे थे एक बार ही अब दूसरी बार भी हम इसको फ्राई करने रख देंगे। इसको हमने हल्की गैस पर फ्राई करना है। ये मसाले के अंदर हम डालेंगे अपनी थोड़ी सी रेड चिली सॉस। 2 से 3 चम्मच हमने रेड चिली सॉस की डाली है। गैस हम हल्की कर देंगे। और स्प्रिंग अनियन की जो ये पत्तियां हैं ये हम इसमें थोड़ी सी डाल देंगे। ये जो हमने
कॉर्नफ्लावर की पेस्ट बनाई है, ये जो लिक्विड बनाया है ये भी हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे। ये देखिए बड़े अच्छे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं हमारे। इसको हमने हिलाना है, हल्का सा हम इसमें नमक डालेंगे, बिल्कुल हल्का नमक डालना है, चुटकी भर। इसमें हम डालेंगे अपनी टोमेटो सॉस तकरीबन 2 चम्मच। नमक आप देख सकते हैं, अगर आपको लगे कि थोड़ा कम है आप और डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे शहद यानी कि हनी, 1.5 चम्मच हमने भर कर डाल देनी है। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है, गैस हम तेज करेंगे। इसमें एक बॉईल आ गया है आप देख सकते हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये आप देख सकते हैं ये हमारे जो आलू हैं ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। गैस हम थोड़ी तेज करेंगे और इसको हल्का सा और ब्राउन कर इसको निकाल लेंगे। ऐसे ही हमने सारे करके निकाल लेने हैं। आप देख सकते हैं हमारे आलू जो हैं कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं। ऐसे ही हमने कर लेने हैं अपने आलू गोल्डन ब्राउन। अब हम इसको निकालेंगे, गैस बंद कर देते हैं। ये आलू देखिए हमारे रेडी हैं और ये मसाला भी हमारा तैयार है। इसको हल्का सा हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब हम इसको उसके अंदर मिक्स करेंगे, साथ में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया और ये कटे हुए हरे प्याज की पत्तियाँ और इसको मिक्स कर देंगे। तो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बने हैं ये। हमने अच्छे से इसको जो है मिक्स कर लेना है ताकि ये जो बैटर है हमारा सारे आलू में लग जाए। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी हमारे हनी चिली पोटैटोज़ जो हैं बनकर तैयार हो गए हैं। हमने इसको सर्व करने के लिए रख दिया है यहाँ पे। इसमें अब हम डालेंगे गार्निश करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें हरे प्याज की पत्तियाँ और डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, ताज़ा हरा धनिया जो है हमने इसमें डालना है। ये बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बने हैं ये। आपके घर में कोई आए तो आप इसको बना सकते हैं। ये किटी पार्टीज में बहुत ही जो है अच्छा स्नैक्स है, एपेटाइज़र बहुत अच्छा है ये। ये आप इसे मेरी रेसिपी से बनाकर देखिए, अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और मेरा चैनल खूब शेयर करिए और खूब सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।